और कुछ वकील लोग सारे लोग को पकड़ करके अंदर ले गए हैं कि कहीं कोर्ट ना बंद हो जाए, वो कहते हुए भी अंदर गए हैं। सरकार जो है अभी अनदेखी कर रही है, और इसी का वजह है कि कोरोना महामारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जिस तरह से कोचिंग संस्थान, कॉलेज, स्कूल को बंद किया गया है, काउंसिल बार के जो वकील हैं ये नियम को बनाते हैं लेकिन नियम का खुद पालन नहीं कर रहे हैं। सफर नया भारत में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हम यहाँ पे व्यवहार नाले के पास खड़ा है, और ये है हजारीबाग का व्यवहार नाले। आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरे झारखंड में लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन का स्थिति भी है, और आए दिन अब हजारीबाग का यदि न्यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजारीबाग में कल का जो कोरोना का संक्रमण था वो 265 मरीज मिले थे जो कोरोना पॉजिटिव थे। तो आप ये पीछे देखेंगे तो कहेंगे कि हजारीबाग में तो लॉकडाउन है लेकिन इतना भीड़ यहाँ पे काहे का है। तो भैया भीड़ यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि ये हजारीबाग का व्यवहार नाला है, यहाँ पे कोई कोरोना का कोई गाइडलाइन का पालन नहीं होता है। जैसा कि हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा कि कितना लोग मास्क पहने हुए हैं और कितने लोग कोरोना के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, और 50 लोग हैं कि उससे ज़्यादा लोग हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जैसा कि आप इधर देख लीजिए ये भीड़ बहुत सारा यहाँ पे है, बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग मास्क पहने हुए ये भी आप देख पाएंगे। जैसा कि ये आप देखेंगे तो अभी हम फ्रंट में हैं और ये है हमारा व्यवहार नाला हजारीबाग। वो हजारीबाग ही है, गलती से आप हजारी नहीं देखिएगा क्योंकि वो भी वहाँ पे भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है, इसीलिए बाघ हट गया है। देखिए यहाँ पे आप भीड़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजारीबाग में कल का जो देखेंगे कोरोना पॉजिटिव वो 265 से प्लस था, और इस तरह से यदि भीड़ रहेगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। ये सिर्फ बाहर रोड पर का दिखा रहे हैं, अंदर में भी उसी प्रकार से है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो भीड़ है ये कहीं ना कहीं तो हजारीबाग का एक कह सकते हैं कि लोग यहाँ पे ध्यान उतना नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि COVID-19 का जो गाइडलाइन है वो भीड़ कम करने के लिए है, और कम भीड़ रहेगा तो लोगों में फैलने की संभावना कम रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे तो सभी जगह आपको 50 नहीं 100 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में भीड़ दिखेगा। आप कल्पना कर लीजिए कि आखिर हजारीबाग में ये बढ़ते कोरोना का जो संक्रमण है वो कितना आसमान तक छू सकता है, ये आप भीड़ देख सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ अभी नहीं, ये दिन भर का यही हालत है और यहाँ पूरा भीड़ इसी प्रकार से रहने वाला है। तो आप यहाँ से कल्पना कर सकते हैं, लेकिन बस यही कहेंगे कि यदि लॉकडाउन करना ही है तो ये भीड़ यहाँ रहेगा तो इससे हमारा कोरोना से हम जीत नहीं पाएंगे और बढ़ती जाएगी संख्या कोरोना संक्रमण का। तो बस यही कहेंगे कि स्कूल वगैरह सब कुछ बंद है, हजारीबाग में भी सारे कोचिंग संस्थान बंद हैं, लेकिन यहाँ पे इस भीड़ को आप देख करके कल्पना कर सकते हैं कि आखिर हजारीबाग के लोग कोरोना से कैसे जीत पाएंगे जंग। यहाँ से हम कुछ लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आखिर झारखंड सरकार झारखंड में लॉकडाउन लगा दिए हैं लेकिन इस भीड़ को देख करके नहीं लगता है कि कोरोना से जीत पाएंगे, क्या कहेंगे भैया? सरकार जो है अभी अनदेखी कर रही है, और इसी का वजह है कि कोरोना महामारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जिस तरह से कोचिंग संस्थान, कॉलेज, स्कूल को बंद किया गया है, यहाँ काउंसिल बार में नियम का पालन करना चाहिए लोगों को। जितने भी यहाँ का काउंसिल बार के जो वकील हैं ये नियम को बनाते हैं लेकिन नियम का खुद पालन नहीं कर रहे हैं, ये कानून के लिए बहुत बड़ा। कोचिंग वगैरह सारा कुछ बंद है लेकिन यहाँ भीड़ देखिएगा, जैसे अभी हमको देख करके यहाँ से भीड़ भी हट गया है लेकिन उस समय यहाँ पूरा भीड़ था, अभी कुछ लोग हट गए हैं और कुछ वकील लोग सारे लोग को पकड़ करके अंदर ले गए हैं कि कहीं कोर्ट ना बंद हो जाए, और वो कहते हुए भी अंदर गए हैं कि कोर्ट बंद हो जाएगा। चाचा क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो ठीक है, बीमारी से बचने के लिए तो सरकार लॉकडाउन लगाते हैं,
लेकिन कहने का यहाँ भीड़ को देख करके क्या कहिएगा, भीड़ तो मास्क लगाए हुए हैं लोग, लेकिन कोई ऐसा ही नहीं है, कोई काम से ही लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि शेड्यूल के लिए बोला गया है कि काम है तो आइए और नहीं काम है तो घर में रहिए, तो ऐसा जरूरत पड़ने पर तो पब्लिक आएवे करेगा, पब्लिक तो आएगा। चलिए काम है तो आएंगे ही, लेकिन कुछ यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं भैया बताइए तो आप। हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं और मैं सरकार को 2 दिन के अंदर मैं पत्र लिखूंगा कि पूरे झारखंड में जो ये स्थिति आप देख रहे हैं इसको लेकर के क्या कर रहे हैं, पूरे झारखंड में जो कोरोना महामारी है उसको बचाना है और जितने भी नियम है उसको ठोस पालन होना चाहिए और प्रशासन को काफी ध्यान देना चाहिए। चलिए ठोस पालन होना चाहिए, लेकिन इस तरह से भीड़ रहेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि आखिर कोरोना बढ़ सकता है। जी सर क्या बोल रहे हैं आप, कोरोना किसी भी समय यहाँ भी बढ़ सकता है। भीड़ को देख करके क्या कहेंगे, हजारीबाग में कल का 265 है, क्या कहेंगे आप, आने वाले समय में और बढ़ेगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से और सरकार से। प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो क्या इस भीड़ से देखिए, नहीं यहाँ किसी खाली हुआ है, नहीं भीड़ का पालन नहीं हो रहा है, किसी का पालन हो रहा है क्या, कोरोना का क्या कहेंगे चाचा, कोरोना गाइडलाइन पालन हो रहा है, नहीं नहीं हो रहा, गाइडलाइन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या, क्या सर कोरोना का गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, कोरोना का क्या पालन हो, कोरोना का गाइडलाइन का पालन हो रहा है क्या सर, हो रहा है यहाँ पे, हो रहा, बहुत सारे नहीं भी कर रहे हैं, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, भीड़ बनाकर क्या कहेंगे सर, अब क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, चलिए छोड़िए कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ वही है कि सरकार कह देगा लॉकडाउन है, लेकिन इस तरह से भीड़ से हम कैसे कहेंगे भैया कि हजारीबाग में लॉकडाउन है, भले कोचिंग वगैरह बंद है, कुछ भी बंद है, चलिए छोड़िए नहीं हम कुछ कहेंगे, चाचा जी से बात करते, क्या चाचा क्या कहिएगा भीड़ को देख करके, क्या कहे बोलो, क्या कहिएगा, जैसे लॉकडाउन है फिर भी यहाँ पे इतना सारा भीड़ है, ज्यादा भीड़ है, कैसे कोरोना से जीत पाएंगे हम लोग, नहीं नहीं, चलिए नहीं जीत पाएंगे, और यही कहेंगे कि यदि इस प्रकार से हालात रहा तो आने वाला कल सभी के लिए खतरा हो सकता है, तो यही कहेंगे कि यदि लॉकडाउन लगा है तो बढ़िया से कोरोना गाइडलाइन का पालन हो तो हम लोग कोरोना से जंग जीत पाएंगे, बस यही कहेंगे, और सफर नया भारत से नए हजारीबाग और नए भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।